बांग्लादेश गरीबी, आबादी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, प्राकृतिक आपदाओं और शरणार्थियों की समस्याओं से जूझता हुआ देश है, लेकिन इन सब के बावजूद बांग्लादेश तरक्की के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। बांग्लादेश की पिछले साल आर्थिक वृद्धि दर 7.8% रही, जो भारत की 8.0% की आर्थिक वृद्धि से भी ज्यादा पीछे नहीं है। हैरानी की बात यह है कि बांग्लादेश इस मामले में पाकिस्तान को बहुत पीछे छोड़ चुका है। पाकिस्तान की आर्थिक वृद्धि दर 5.8% ही है। जहां पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार $8 बिलियन है, तो वहीं बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार $32 बिलियन है, जो पाकिस्तान के मुकाबले 4 गुना ज्यादा है। 2018 में ही बांग्लादेश के खाते एक बड़ी उपलब्धि भी दर्ज हुई, जब यूएन ने बांग्लादेश को अल्प विकसित देशों की सूची से विकासशील देशों की श्रेणी में डाल दिया। बांग्लादेश कैसे इतनी तेजी से समृद्ध हो रहा है, ये एक जटिल पहेली इसलिए भी है क्योंकि बांग्लादेश के पास ऐसी कोई भू राजनीतिक पूंजी भी नहीं है जिसे अमेरिका, चीन या सऊदी अरब को बेचा जा सके। बांग्लादेश के पास ना कोई परमाणु हथियार है, ना ही भारी भरकम सेना है और ना ही खास बौद्धिक संपदा। यहां तक कि अपने जन्म के समय बांग्लादेश के पास प्रशिक्षित ब्यूरोक्रेसी भी नहीं थी। बांग्लादेश के पास ब्यूरोक्रेसी के नाम पर बस भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक पूर्व सदस्य था। छोटे कद के और सामने रंग के बंगालियों को पाकिस्तान सिर्फ जूट चावल उगाने और मछलियां पकड़ने के काम के लायक ही समझते थे। पाकिस्तानी रेडियो पर बंगाली लहजा सुनकर उनका मजाक उड़ाते थे। पाकिस्तानियों को लगता था कि अच्छे और असली मुस्लिम वही हैं जो लंबे चौड़े और गोरे हों और उर्दू बोलते हों, लेकिन आज वही बंगाली पाकिस्तान को पीछे छोड़ रहे हैं। 1971 में पूरी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बना, पाकिस्तान के लिए एक बड़े सबक की तरह था, लेकिन अब भी अधिकतर पाकिस्तानियों को यही लगता था कि बांग्लादेश आर्थिक रूप से अपना अस्तित्व नहीं बचा पाएगा और वापस पाकिस्तान की शरण में लौटने को मजबूर हो जाएगा, जबकि कुछ लोगों ने उम्मीद की कि शायद अब पाकिस्तान इससे सबक सीखेगा। लेकिन पाकिस्तान ने इसे अपनी प्रतिष्ठा पर चोट की तरह लिया और बदले की आग में जलते हुए केवल भारत से हिसाब बराबर करने के बारे में सोचता रहा। आत्मसमर्पण के 6 सप्ताह बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के न्यूक्लियर बम के लिए की गई गोपनीय कॉल मुल्तान बैठक की तरफ बढ़ गई। पाकिस्तान में सत्ता के केंद्रीयकरण से उपजे स्थानीय लोगों की खिलाफत से पाकिस्तान ने कोई सबक नहीं लिया और इसी का परिणाम पाकिस्तान भुगत रहा है। बांग्लादेश और पाकिस्तान दो अलग अलग देश हैं और दोनों देशों के राष्ट्र हितों को तय करने का नजरिया अलग है। बांग्लादेश मानव विकास और आर्थिक वृद्धि में अपना भविष्य देखता है, वहाँ निर्यात बढ़ाने, बेरोजगारी हटाने, स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने, कर्ज घटाने जैसे लक्ष्य तय किए जाते हैं, जबकि पाकिस्तान के लिए विकास बाद में आता है। पाकिस्तान अपनी आधी से ज्यादा ताकत भारत के खिलाफ खर्च करने में लगा रहता है। इसके साथ ही पाकिस्तान के अफगानिस्तान और ईरान से रिश्ते बिगड़े हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान दोनों पर भारत के करीब होने का आरोप लगाता रहता है। अब पाकिस्तान को ये समझना बेहद जरूरी है कि चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर हो या ना हो, भारत से टैंक और मिसाइल से मिसाइल की बराबरी करना पाकिस्तान के लिए असंभव है। असलियत ये है कि वो बांग्लादेश से भी पीछे छूट रहा है। अमेरिका, चीन और सऊदी अरब के बोले गए इमले लिखकर पाकिस्तान कहीं नहीं पहुंच पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।